घर बैठे निशुल्क संगीत सीखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें। सकल त्रिभुवन को तू ही आधार, तू ही आधार, तू ही आधार, सकल तू ही आधार, तू ही आधार, तू ही आधार, सकल तू ही आधार, तू ही आधार, तू ही आधार, सकल त्रिभुवन को तू ही आधार। नमस्कार, मैं हूं मास्टर निषाद और आप सभी देख रहे हैं संगीत प्रभा वर्ल्ड का यूट्यूब चैनल। और जैसा कि मैंने पिछले वीडियो में वादा किया था आपसे, जिसमें कि मैंने बताया था कि जो राग गायकी होती है, राग गाते समय मुखड़े के वेरिएशंस कैसे किए जाते हैं, तो वो मुझे बताने थे, मैंने उस वीडियो में बताए। और फिर मैंने उसमें कहा था कि मैं आगे बताऊंगा कि जो तिहाइयाँ होती हैं अगर किसी राग में हमें लेनी होती हैं तो किस प्रकार से ली जाती हैं और ख्याल के अनुसार कैसे उसके वेरिएशंस बनते हैं तिहाइयों के। तो आइए जानते हैं उसके बारे में। लेकिन उसमें बात करने से पहले आइए हम बात कर लेते हैं हमारे इस वीडियो को स्पॉन्सर कर रहे ऐप के बारे में, जो कि रियाज ऐप है। तो जैसा कि आप स्क्रीन पर भी देख सकते हैं, रियाज ऐप बहुत ही अच्छा ऐप है जिससे आप घर बैठे निशुल्क संगीत सीख रहे हैं। एंड उसमें आप हिंदुस्तानी, कर्नाटक, बॉलीवुड, हर प्रकार का संगीत है जो प्रैक्टिस भी कर सकते हैं, जो प्रोफेशनल गुरु हैं उनके साथ आप रियाज कर सकते हैं। इसमें अलंकार, राग वगैरह सब आपको मिल जाती है। तो कूपन कोड और डिस्क्रिप्शन में लिंक जो है, कूपन कोड भी वहीं पर है और डिस्क्रिप्शन में जो लिंक है उससे भी आप इस ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं। तो जब ऐप की बात हो ही चुकी है तो आइए अब हम टॉपिक पर आते हैं, टॉपिक पर शुरू करते हैं। इस पर मेरे जो दादा गुरु हैं उन्होंने एक वीडियो दिया हुआ है, हमारे ही चैनल पर है, जिसमें कि मुखड़े के वेरिएशंस और तिहाइयों के बारे में भी चर्चा है। उसका लिंक एंड स्क्रीन में मिल जाएगा आपको, उसको भी देखिएगा आप। और जो प्लेलिस्ट है जो हमारे चैनल के होम पेज पे ही आपको मिलेगी, जो कि राग लर्निंग लेसन्स या राग लर्निंग टिप्स के नाम से बनाई गई है, उसमें काफ़ी ऐसी चीज़ें हैं जो जब हम राग सीखते हैं, सीखते वक्त हमको वो सारी चीज़ें जानना ज़रूरी हैं, वो सारी खूबसूरत बनाती हैं आपकी गायकी को, है ना, वो सारी चीज़ें, तो ज़रूर उसमें आप देखिएगा। तो इस टॉपिक पर अगर हम बात करें तो उससे पहले मेरे ख्याल से आपको ये जान लेना ज़रूरी है कि तिहाई क्या होती है। जैसा कि डिस्क्रिप्शन में और आपको एंड स्क्रीन में जो लिंक मिलेंगे उनसे आपको पता चलेगा कि तिहाइयाँ कई प्रकार की होती हैं और क्या होता है, मगर फिर भी एक छोटा मोटा मैं आपको ब्रीफ दे देता हूँ। किसी भी चीज़ को तीन बार करके हम जब सम पकड़ते हैं तो उसको तिहाई कहा जाता है। और तीनों पल्ले जो होते हैं, यानी उसके जो तीनों भाग हैं, वो समान मात्राओं के होते हैं और समान लय भी उनमें होनी चाहिए, तभी वो समान मात्राओं के होंगे। वरना अगर आपने सेम कंटेंट अलग लय में किया तो वो मात्राएँ बदल जाएंगी, जाहिर है। तिहाइयों का जो प्रयोग है वो गायकी में थोड़ा अलग होता है और तबला वादन और जो कथक नृत्य है उसमें अलग होता है।
तो हम कुछ कुछ कैलकुलेशंस हैं जिनको समझ लेते हैं, याद कर लेते हैं, उसके बाद हम उन तिहाइयों के कैलकुलेशंस का हमारी गायकी में प्रयोग लेते हैं। तो जैसा कि अगर आप वीडियो देखेंगे वो वाला, तो आपके पास तिहाई की कैलकुलेशंस हो जाएंगे, 16 मात्रा की तिहाई का क्या कैलकुलेशन है, 15 की का क्या है, 14 की का क्या है। मगर हमें उतनी बड़ी बड़ी तिहाइयाँ अक्सर गायकी में यूज़ नहीं आती हैं। जब हम राग गायकी करते हैं, राग में जब ख्याल गायकी करते हैं, छोटा ख्याल गाते हैं या बड़ा ख्याल गाते हैं, तो उतनी लंबी लंबी तिहाइयाँ हमारे काम में नहीं आती हैं, बनिस्बत की जब हम वादन करते हैं तो उसमें यूज़ आती हैं। जैसे कि अभी जो मैं ख्याल गा रहा था, तू ही आधार सकल त्रिभुवन को, राग बिलावल का छोटा ख्याल है, तो आपने नोट किया हो तो ये 13वीं मात्रा से उठ रहा था इसका ख्याल, कि तू ही आधार, धा पे इसका सम था। तो इसमें मैंने कई तिहाइयाँ बताई, एक तो नॉर्मल तिहाई जो यहाँ से उठ रही थी, जो 13वीं से ही उठ रही थी, वो एंड करने के लिए अगर आप यूज़ करते हैं। देखिए तिहाइयों का हमारे यूज़ कहाँ आता है, जब हम वेरिएशंस करते हैं राग में, अलग अलग आलाप लेंगे, अलग अलग ताने लेंगे, तो मैंने बताया है कि आलाप तान जो है वो कहीं से भी उठ सकते हैं, क्योंकि उपज की चीज़ है, तो ज़रूरी नहीं है कि वो निश्चित मात्रा से उठे, कहीं से भी उठ सकती है। तो जब हम कहीं से भी आलाप ले लेते हैं, तो अब हमें ये भी है कि वो हमारा जहाँ जितनी मात्रा से मुखड़ा उठता है वहाँ तक हमें उस आलाप या उस तान को लेके आना है, है ना। और अगर वहाँ तक नहीं आ पाता है कई बार, तो हम क्या कर देते हैं, जहाँ भी आया वहाँ से हमारा मुखड़ा उठा लेते हैं। जैसा कि मैंने पिछले वीडियो में सिखाया है कि मुखड़े के वेरिएशंस किए जाते हैं, तो अगर 4 मात्रा का मुखड़ा है आपका, 13वीं से उठ रहा है, और आपका आलाप यहीं ख़त्म हो गया, 8 पे ही ख़त्म हो गया, तो अगर उस मुखड़े को आप यहाँ से भी ले लोगे तो भी आप ला सकते हो, है ना। लेकिन कई बार ऐसी सिचुएशंस आ जाती है कि कुछ ज़्यादा ही पहले आ गए हैं हम, कि मुखड़ा अभी बहुत, मुखड़े की मात्रा ही बहुत दूर है, और उसका वेरिएशन करना जहाँ तक अच्छा लगेगा, जितनी मात्राओं तक, वो मात्रा भी बहुत दूर है, तो वहाँ तक पहुँचने के लिए हम क्या करते हैं, तिहाई का प्रयोग लेते हैं। और कई बार हमारी तान को एक खूबसूरत रूप देने के लिए, खूबसूरत मोड़ देने के लिए भी हम तिहाई का प्रयोग लेते हैं, है ना, कि जिस स्वर से हमारा मुखड़ा उठ रहा है, हमें अगर उस स्वर तक उसको एंड करना है, तो अगर हमारी तान, हमारी सरगम उससे पहले ख़त्म हो गई और हमें उसी स्वर पर एंड करना है, तो हम एक तिहाई ले देंगे छोटी सी। कई बार वो तिहाई स्वरों में होती है और कई बार वो तिहाई मुखड़े की होती है। तो तिहाई के अगर कैलकुलेशंस आपको पता हैं, तो आप मुखड़े की भी बना सकते हैं, स्वरों की भी बना सकते हैं, है ना। तो अभी हम जो सीखेंगे वो मुखड़े की तिहाइयाँ होंगी अलग अलग। इससे क्या होता है, ये वो एक्सरसाइजेज हैं जो आपके पास रहती हैं, जैसे मुखड़े के वेरिएशंस कर लिए पहले हमने, मुखड़े की तिहाइयाँ हमने देख ली, वो सब अब अगर हमारे पास है, फिर अगर हम उपज करने जाते हैं तो आसानी होती है, है ना। ये मैं चीज़ आपको सिखाने की कोशिश कर रहा हूँ, बताने की कोशिश कर रहा हूँ, कि अगर हम वो चीज़ें जो मटेरियल है वो पहले हमारे पास रखें, क्योंकि तिहाइयाँ तो निश्चित होंगी, आपने देख लिया कि 13वीं से उठ रही है तो ये तिहाई, 11वीं से उठ रही है तो ये तिहाई, 12वीं से तो ये, तो आपकी तान कहीं भी ख़त्म होगी तो आपको वो अभ्यास में होगी ना चीज़, कि यहाँ ख़त्म हुई है तो यहाँ से तो ये वाली तिहाई लेते हैं तो आ जाती है, समझ रहे हैं। कुछ चीज़ें मेमोरी में भी रखनी होती हैं, है ना। मुखड़े के वेरिएशंस अलग अलग मात्राओं से अगर आपके प्रैक्टिस कर रखे हैं, तो ताने जो हैं वो तो चलो नेचुरल आएंगी, लेकिन उन्हीं 16 मात्रा में से किधर भी तो आएंगी, है ना, उन्हीं में से किसी पे ख़त्म होगी, तो वहाँ से तो आपको मालूम है कि यहाँ से ऐसे तिहाई लेते हैं तो ये आती है, और ये वेरिएशन लेते हैं तो ये आता है, तो वो आपको आसानी देगा, कभी आप फंसोगे नहीं, आलाप तान लेने के बाद अटक नहीं जाओगे कि अब मैं बोलूँ क्या, बोलने को कुछ नहीं है, है ना, मुखड़ा कैसे आ गया, कौन सी मात्रा पर आया, मुझे ध्यान नहीं, वो सारी चीज़ें। और जैसा कि मैं पिछले वीडियो में बता भी चुका हूँ, ये सब चीज़ें करने के लिए जाहिर सी चीज़ें, लय का, स्वर का और ताल का अच्छे से ज्ञान चाहिए, वरना ये चीज़ पॉसिबल नहीं है। तो हम कुछ वेरिएशंस देखेंगे इसी ख्याल के, ये जो हमने ख्याल लिया है राग बिलावल का। तू ही आधार सकल त्रिभुवन को, ये ख्याल है। अब इसकी तिहाइयां देखिए, तू ही आधार सकल त्रिभुवन को, तू ही आधार, तू ही आधार, तू ही आधार, है ना। सबसे बेसिक सी तिहाई हमने ये ली। अब ये तो एंड करने के हिसाब से है, हमारा कोई ख्याल चल रहा है, आलाप चल रहा है, तो उसके बाद हम तिहाई लेके ख्याल एंड कर रहे हैं, तो ऐसे ले सकते हैं, अगर यहाँ से उठाइए यही तिहाई। अब ज़रूरी है नहीं है कि तिहाई में यही पूरे बोल हों, तू ही आधार, लेकिन हम जो क्या कर रहे हैं, हम तिहाई के बाद सम दिखा रहे हैं, है ना, तो हमारी तिहाई का जो एंड वर्ड है वो आधार तो होना ही चाहिए। तो एक पैटर्न तो ये है कि आप तू ही आधार की तिहाई लीजिए, यानी जो भी आपका ख्याल हो उस पर निर्भर करता है, ये मैं आपको एक एग्जांपल देके समझा रहा हूँ। हो सकता है कोई आपका ख्याल हो वो खाली से शुरू होता हो तो उसका क्या बनता है, कोई होगा 7वीं से शुरू हो, कोई 13वीं से, कहीं से भी शुरू हो सकते हैं ख्याल, तो वो तो कंपोजिशन पर निर्भर है। पर अभी जो हम सीख रहे हैं वो ये है, जो एग्जाम्पल लूँगा मैं,
खाली से इसकी तिहाई अगर मैं आपको करके बताऊं। तू ही आधार, तू ही आधार, तू ही आधार, जस्ट उसकी दोगुनी लय में हमने तिहाई ली है ना। और क्या कैलकुलेशन बना, जैसा कि मैं आपको बता ही चुका हूं, 16 का या 8 का बनता है, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। उसके बाद हम सिंगल में आ जाएंगे। अब यहां से कोई तान अगर आपने ली है जो आपकी 8 मात्रा में आ रही है और फिर आपको ये लेना है, तो कैसे बनेगा? तू ही आ सा नि ध नि सा नि ध प म ग म रे ग म प ग म रे सा, तू ही आधार, तू ही आधार, तू ही आधार, सकल त्रिभुवन को तू ही आधार, सा नि ध नि सा नि ध प म ग म रे ग म प म ग म रे रे सा, तू ही आधार, तू ही आधार, तू ही आधार। ये क्या किया मैंने, वही तिहाई थी लेकिन एक मात्रा बाद उठाई तो गैप हटा दिया। पहले जो थी तू ही आधार, तू ही आधार, तू ही आधार, ये तिहाई थी, और वही तिहाई मैंने एक मात्रा बाद से उठाई यहां से, तू ही आधार, तू ही आधार, तू ही आधार, तो ये बेदम बन गई बिना गैप के। तो ये आपने देखा कि कैसे वो यूज आ रही है। अभी ये ऐसे भी यूज आ सकती है, जैसे गमा पामा गमा रे सा, गमा पामा गमा रे रे सा, गपा नी नी सा, गपा नी नी सा, गपा नी नी धार, है ना। या फिर गपा नी नी सा, गपा नी नी सा, गपा नी नी सा आधार, है ना। ये भी एक तिहाई थी। तो ये प्रकार होते हैं। अब अगर यही तिहाई हमें एक मात्रा पहले से लेनी है तो कैसे लेंगे हम, यहां से लेनी है, तू ही आधार, तू ही आधार, तू ही आधार, है ना। गैपिंग क्या थी, तू ही आधार, एक दो, तू ही आधार, एक दो, तू ही आधार। यहां से लो एक मात्रा और पहले से, तू ही आधार, तू ही आधार, तू ही आधार। हर ख्याल में ये प्रैक्टिस करनी जरूरी है, तू ही आधार, तू ही आधार, तू ही आधार। थोड़ा थोड़ा गैप बढ़ाते जा रहे हैं हम। यहां से लो, तू ही आधार, तू ही आधार, तू ही आधार। एक मात्रा और पहले से लो, तू ही आधार, तू ही आधार, तू ही आधार। एक मात्रा और पहले से लो, तू ही आधार, तू ही आधार, तू ही आधार, है ना। एक मात्रा और पहले से लो, तू ही आधार, तू ही आधार, तू ही आधार। एक मात्रा और पहले से लो, तू ही आधार, तू ही आधार, तू ही आधार, है ना। निर्भर यह भी करता है कि हमारी जो लय चल रही है वो कौन सी चल रही है। अगर लय तू ही आधार सकल त्रिभुवन को, तू ही आधार, ये लय चल रही है तो इसमें तिहाइयां अलग आएंगी, है ना। अब जरूरी नहीं है कि हर बार तू ही आधार की तिहाई आए, कभी तू ही, तू ही, तू ही की भी तिहाई आ सकती है। निर्भर करता है हमारे जो बोल हैं ख्याल के वो कैसे हैं, पर इसमें जैसे हैं तो कैसे ले सकते हैं इसको हम, तू ही, तू ही, तू ही आधार, है ना। ये तरीका है, तू ही, तू ही, तू ही आधार। पर इसमें यह देखना जरूरी है कि जिस पर सम है वो बोल भी आने चाहिए उस तिहाई में। तो ये कुछ तरीके हैं जो आप समझ सकते हैं कि ख्याल में जो तिहाइयां हैं वो कहाँ से ली जाती हैं और उनका क्या महत्व है, क्या अहमियत है, कि उनके अभ्यास करना ज़रूरी है। ये तिहाइयां आपको खुद को बनानी होंगी, खुद अभ्यास करना होगा, खुद ये चीज़ें, कुछ चीज़ें तो निश्चित करनी पड़ती हैं ताकि मदद मिल सके। अब जैसे कि मान लीजिए कोई दूसरा ख्याल लेंगे जिसकी कंपोजिशन कहीं और से उठ रही है, जैसे कि हम देखते हैं नी सा ग म प ग म प नी सा ने ध ने सा ग म प नी सा द प म प ग म ग सा लट उलझी सुलझा जा बाल मा लट उलझी सुलझा जा बाल मा लट उलझी सुलझा, है ना। ये हमारा खाली से उठता है, यानी एक मात्रा छोड़ के उठ रहा है वैसे तो, वैसे बराबर गाओ तो लट उलझी सुलझा जा बाल मा, लेकिन गाई के अंदाज में लट उलझी सुलझा जा बाल मा, लट उलझी सुलझा जा, है ना। ये भी तरीका है कि
जो तिहाई थी वो अलग लय में और जो सोलह झा ये बराबर की लय में है ना। यहाँ से लो लट उलह जी सोलह झा जा बा, ये भी तरीका सोलह झा की अलग लय हो गई है ना। लट उलह जी लट उलह जी लट उलह जी सोलह झा है ना। ये निर्भर करता है कि आप लय को कितना अच्छा समझते हैं और लय से कितना अच्छा खेल लेते हैं। तो वही चीज़ है, जब तक लय लयकारी क्लियर नहीं है, अलग अलग तालों में आपने लयकारियाँ को अभ्यास नहीं किया है, अलग अलग अलंकारों को, अलग अलग पैटर्न के अलंकारों को, ऑफ बीट्स को, ये जो एक्सरसाइजेज हैं ये जब तक नहीं करी हैं, तब तक जो काम प्रेजेंटेशन का है उसमें एक्सरसाइजेज कैसे काम आएंगी है ना। जैसे कि मैं हमेशा कहता हूँ कि जो एक्सरसाइजेज होती हैं वो प्रेजेंटेशन के लिए नहीं होती हैं, यानी जो हम प्रस्तुत करते हैं वो काम अलग होता है। तो जो चीज़ें प्रस्तुत कर रहे हैं उसमें वो एक्सरसाइजेज आती हैं काम में। आ रही है कि नहीं आ रही है? अभी तक आई लय कैलकुलेशंस, लय का स्विच वो कैसे आएगा? लय को खेलना, ताल की समझ, ताल की लय अलग जा रही है, लय हमारी तिहाई की अलग जाएगी। तो ये अभ्यास पर निर्भर है, तजर्बे लेने पड़ते हैं, कुछ आपको गाते गाते आती हैं चीज़ें, ठीक है। तो मेरे ख्याल से आप समझ गए होंगे ये सारी चीज़ें। एंड ऐसे ही देखते हैं संगीत प्रो वर्ल्ड के चैनल को, एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें चैनल को, एंड लाइक कमेंट शेयर करें, एंड रियाज ऐप को ज़रूर डाउनलोड करें। थैंक यू।